नमस्कार न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाया गया गौतम नवलखा और अनल तिल ने किया सरेंडर गौतम और आनंद की गिरफ्तारी गलत निखिल वाघले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों 24 के मुताबिक बीते चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के एक नए मामले आए हैं इकतीस लोगों की मौत भी हो गई है साथ ही एक लोगों की को स्वस्थ किया जा चुका है लेकिन 1001 नए सक्रिय मामले और जुड़ गए हैं अभी तक कुल दो लाख सत्रह हजार पाँच सौ चौवन सैंपल की जांच की जा चुकी है दिल्ली में सबसे अधिक नए मामले सामने आए हैं दिल्ली में सोमवार तेरह अप्रैल को चार लोगों की मौत हुई है और तीन सौ छप्पन नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या एक हजार पाँच सौ दस पहुंच गई है महाराष्ट्र में ग्यारह लोगों की मौत हुई 349 नए मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या दो पहुंची राजस्थान में मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है 101 नए मामलों के साथ वहां संक्रमितों की संख्या आठ पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में पचहत्तर नए मामलों के साथ कुल संख्या पांच पहुंची तेलंगाना में सात मौतें हुई अंठावन नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या पांच पहुंच गई मध्य प्रदेश में भी सात मौतें हुई हैं चालीस नए मामलों के साथ कुल संख्या छह सौ चार पहुंच गई है पश्चिम बंगाल में अड़तीस नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या एक सौ नब्बे पहुंची जम्मू और कश्मीर में पच्चीस नए मामलों के साथ यह संख्या दो सौ सत्तर पे थी गुजरात में एक मौत तेईस नए मामलों के साथ यह संख्या पांच सौ उनतालीस पहुंची पंजाब में सोलह नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या एक सौ सड़सठ पहुंच गई है कर्नाटक में पन्द्रह नए मामलों के साथ यह संख्या दो सौ सैतालीस पर है आंध्र प्रदेश में पांच नए मामले हैं जिससे संख्या चार सौ बत्तीस पहुंच गई है झारखंड में पांच नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या चौबीस पहुंच गई केरल में तीन नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या तीन सौ उन्यासी पहुंची असम में दो नए मामलों के साथ कुल संख्या इकतीस पहुंच गई गी है बिहार में एक नया मामला सामने आया है और कुल संख्या पैंसठ हो गई है इसी के साथ नागालैंड में पहला नया मामला सामने आया लेकिन बीते चौबीस घंटे में अन्य चौदह राज्यों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक जयंती है और इसे समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए उन्हीं की चेतावनी पर नजर दौड़ाना होगा सामाजिक समाज की व्यवस्था के लिए और सामायिक होने के लिए आइए सुनते हैं बेजवाड़ा विल्सन की न्यूज क्लिक से खास बातचीत के कुछ अंश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हम मना रहे हैं और ऐसे में याद आता है कि जिस समय संविधान पारित हो रहा था नाइनटीन में उस समय उन्होंने बहुत अहम भाषण दिया था और वो भाषण आज की तारीख में और ज़्यादा मौजू और और ज़्यादा रेलिवेंट दिखाई दे रहा है उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति पूजा है या किसी भी व्यक्ति को बहुत महान बनाकर देखा जाना एक व्यक्ति पर केंद्रित जो पॉलिटिक्स है वह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है वह तानाशाही की ओर देश को ले जा सकती है आज 2020 में जब हम बात कर रहे हैं बाबा साहब को याद कर रहे हैं कैसे आप देखते हैं जो हमारा इस समय का माहौल है उसे न बाबा साहेब वो समय क्या बोला वो स्थिति पे ये है देश यहाँ से एक इंच भी आगे हम लोग नहीं गया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दूसरा है ये एक लोकतंत्र पे हम लोग सोचने के समय ये सारे लोग लेके जाना पड़ते हैं एंड इंडिया आल्सो वो फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्टेट का बहुत इम्पोर्टेंट देना पड़ता है राज्य सरकार का और ये सेंट्रल uh, गवर्नमेंट का है थोड़ा कई चीज़ों पे अधिकार होते हैं बट अभी तो कई साल से ये देश का एक नया तरीका चल रहा है इधर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री का वजह से ही ये देश पूरा चल रहा है ये एक डेंजर संकेत है ये अच्छा नहीं है क्यों तो हमारा लोकतंत्र है एक तंत्र नहीं है ये लोकतंत्र पे कोई एक व्यक्ति कोई भी हो सकती आज नरेंद्र मोदी हो सकती कल दूसरा हो सकती बट देश का लोकतंत्र बचाना चाहिए तो इस पे हमारा का ये प्लोरलिस्टिक सोसाइटी है भिन्न संस्कृति है भिन्न भाषा है भिन्न जाति है सब लोग एक जगह हम लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ही हमारा लीडरशिप भी होते हैं वो भी एक प्लूरलिस्टिक मतलब एक मल्टीपल लीडरशिप मतलब एक व्यक्ति सारे डिसाइड करेंगे सब सीक्रेट रखेंगे आके अनाउंस करेंगे ये एक मिलिट्री शासन जैसा लगते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होना कैब यूनियन कैबिनेट है कैबिनेट पे डिस्कस करना और कई चीज़ों पार्लियामेंट पे डिस्कस करना क्यों तो मैंने यूनियन कैबिनेट ना प्रधानमंत्री का मैंने इलेक्ट नहीं किया मैंने मेरा सांसद का मैंने इलेक्ट किया सो so, मेरा सांसद मेरा पार्लियामेंटेरियन कभी बिल्कुल लोकतंत्र पे अगर बोलना सुनना डिसीजन लेना एक मौका नहीं है तो ये कंप्लीट एक तंत्र है ये एक तंत्र से ये देश का और भविष्य अंधकार होगा बर्बाद हो सकते जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं आज बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जा रहा है इस समय देश एक बहुत अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है कोरोना संकट से और इसके साथ साथ जुड़े हुए तमाम सवाल हैं जो आप उठाते रहे हैं खास तौर से सफाई कर्मचारियों का जो सवाल है वो कैसे आप देख रहे हैं इस समय से ये एक बात है बाबा साहेब अम्बेडकर हैं ये ये देश का एक दिक्सूची जैसा है दिक्कसूची वही बोलते हैं ना हिंदी पे भी वॉट इट इज कॉल्ड नेविगेटर सो एक नीडल जैसा है ये भविष्य पे सौ साल का देश कहा जाना क्यों है तो उनका जीवन पूरा बाबा साहेब अंबेडकर का कितने तकलीफ होगा कितने भेदभाव हुआ ये सारे से बाहर आने के उनका एक मौका मिला ये कॉन्स्टिट्यूशन पे लिख दिया संविधान का कोई लागू करेंगे वो समय सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर का स्वप्न क्या है वो आगे लेके जा सकते संविधान से कौन बाहर आ जाएंगे उनका जो मर्जी है करेंगे मतलब ये बाबा साहेब अंबेडकर का स्वप्न का बर्बाद कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा बात है बाबा साहेब ये दस साल का पांच साल का ये विषय पर कभी नहीं बोला हमेशा बताया ये हमारा देश है हमारा का कई चीज़ों पे हम बहुत पीछे हैं सो so, हमारा का क्या क्या पीछे है हमारा का समानता समता समानता ये विषय पे हमारा का विश्वास नहीं है हमारा का एक होते हैं हमारा ये क्या कह इनहेरिटेंस ऑफ इनइालिटी ये कभी हजारों साल से हमारा का असमानता की विरासत है So, आसुमानसा की विरासत का खत्म करने के संविधान एक नया दिशा दिखाते हैं ये कदम पे हमारा देश हम लोग आगे ले के नहीं जा रहे अभी देखो कहीं भी आप भी कह रहा है कहीं अभी सिंपल uh, एग्जाम्पल है बाबा साहेब अम्बेडकर का वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के इंडिया आने के बाद उनका किराए का घर नहीं मिला वो हम हम कब का है सौ साल का पहले का कहानी है आज का हम सच पे कोई भी ये देश पे बता सकती ये कोई का दलित का कोई दूसरा का एक जगह आके मेरा इधर घर चाहिए तो सारे देंगे ये सिर्फ हम लोग बाबा साहेब अम्बेदकर का हमेशा सोचते हैं ये दलित के लिए बात कर भेदभाव का लिए बात किया भेदभाव ये जाति का नाम से हो सकती धर्म का नाम से भी हो सकती आज देश पे धर्म का नाम से कितने बर्बाद हो रहा है यह भी बाबा साहेब अंबेडकर का विजन का है वो अभी कोई दूसरा धर्म वाला एक जगह आके एक ही जगह रहना किसी का पसंद नहीं होते है बीमा को मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा और आनंद तुमडे को मंगलवार यानी आज पुलिस आज उन्होंने सरेंडर किया सुप, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक दोनों लोगों को गिरफ्तारी से राहत दे रखी थी लेकिन पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान चौदह अप्रैल तक उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने को कहा गया था आइए सुनते हैं गौतम लखा द्वारा पढ़ी गई यह कविता पास की ये कविता दोस्तों के नाम उसका शीर्षक है हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े हथौड़ा अब भी चलता है उदास न्याई पर हल्की लीकें अब भी बहती हैं चीखती हुई धरती पर ये काम हमारा नहीं बनता प्रश्न नाचता है प्रश्न कंधों के कंधों पर चढ़कर हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर बुझी हुई नजरों की कसम खाकर हाथों पर पड़े पट्टों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे तब तक जब तक बीरू बकरिया बकरियों का मूत पीता है खिले हुए सरसों के फूलों को जब तक बोने वाले खुद नहीं सूंघते कि सूजी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति जब तक युद्ध से लौट नहीं आता जब तक पुलिस के सिपाही अपने ही भाइयों का गला घोटने को मजबूर हैं कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते हुए लिखते हैं लक्षु लहू से अक्षर हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है जब बंदूक न हुई तब तलवार होगी जब तलवार न हुई लड़ने की लगन होगी लड़ने का ढंग न हुआ लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे साथी हम लड़ेंगे कि लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं हम लड़ेंगे अपनी सज़ा कबूलने के लिए लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने को हम लड़ेंगे साथी। इस खास अंक में निखिल वागले बात कर रहे हैं मामले की गौतम नवलखा की और आयल तेलुमडे की गिरफ्तारी की आइए सुनते हैं निखिल वागले को आप जानते हो डॉक्टर आनंद तुमड़े एक मशहूर विचारक है और गौतम नवलखा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता इन दोनों को कल चौदह अप्रैल को गिरफ्तार किया जा रहा है इन दोनों कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो मुंबई में सरेंडर करें इनके ऊपर एलगार परिषद केस में कुछ आरोप है और इनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जाएगा आपको याद होगा मैंने न्यूज के लिए बहुत सारे वीडियोस किए हैं इस केस पर एलकार परिषद केस पर और मैंने आपको बताया है ये किस तरह से फैब्रिकेटेड केस है पहले ही दो साल से इस केस में यूएपीए के अंदर सुधा भारद्वाज सुधीर ढोले और अन्य जो छह कार्यकर्ता है जेल में है दो साल में इस केस की बहुत ज्यादा सुनवाई भी नहीं हुई है और इनको बेल भी रिजेक्ट किया गया है ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था जब इनको अरेस्ट किया गया तब डॉक्टर आनंद तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा को अरेस्ट नहीं किया गया उनको कोर्ट ने कंसेशन दिए ये लोग हाई कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सु, सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी की तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पुलिस के सामने सरेंडर हो जाइए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल ही गलत है मैं मानता हूं कि हमें न्यायपालिका के प्रति आदर दिखाना चाहिए लेकिन कैसे आदर दिखाए क्योंकि इस तरह के गलत फैसले अगर न्यायपालिका करेगी तो आदर दिखाना बिल्कुल संभव नहीं है मैं नाराज हूँ सुप्रीम कोर्ट के प्रति सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि इस देश में जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा इस देश के संविधान की रक्षा और इस देश में जो कानून का राज चलता है उसको और सशक्त बनाए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ भी नहीं किया डॉक्टर आनंद तेल का एलगाल परिषद केस से कुछ भी संबंध नहीं है डॉक्टर आनंद तेल तुमड़े एलगार परिषद में शामिल भी नहीं हुए थे उस दिन वो पुना से निकल गए अपने घर गोवा में गए आपको मालूम होगा आनंद तेल तुमड़े एक अंबेडकरवादी विचारक है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है एलगार परिषद का जो मामला है एलगार परिषद का पूरा कैंपेन है उसके प्रति भी इन्होंने कुछ एक क्रिटिसिज्म लिखा था इनका इनका एलगार परिषद को सपोर्ट नहीं था फिर भी मोदी सरकार ने अन्य आठ जो एक्टिविस्ट है उनके साथ डॉक्टर आनंद तेल को इस पूरे केस में फसाया और आज गौतम नवलखा के साथ कल उन्हें सरेंडर होना पड़ रहा है मुझे लगता है ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है तेल और नवलखा के लिए क्योंकि दोनों का इस केस में कोई संबंध नहीं है अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों की विचारधारा नक्स, नक्सलाइट विचारधारा है मुझे लगता है इस देश में किसी भी विचारधारा के प्रति आस्था रखना कोई गलत बात नहीं है और जिन्होंने आनंद तेलतुडे की किताबें पढ़ी है वो ये भी नहीं मान सकते कि वो नक्सलाइट है हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल है जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर श्रद्धा रखते हैं इनको नक्सलाइट ठहराना इनको इस तरह से केस में फंसा देना ये मोदी सरकार की गहरी चाल है आज के डेली राउंड में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर धन्यवाद